2023, और इस रिपोर्ट के आते ही बड़ा बवाल मच गया भारत में। बड़ी इस रिपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने आपत्ति जताई, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और यहाँ तक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो ये तक बोल डाला कि जिस भी व्यक्ति ने ये रिपोर्ट बनाई है उसे तो अपना माइंड चेक करा लेना चाहिए। क्यों? वजह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कुल मिला के 137 देशों में भारत का नंबर 126वां है। इससे परेशानी नहीं है, 126वां है ओके, परेशानी इस बात से है कि जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और चीन जैसे पड़ोसी देशों से भी भारत की रैंकिंग बहुत पीछे। अब कौन सा व्यक्ति ये कह देगा कि हैरान परेशान कंगाल पाकिस्तान भारत से हैप्पीनेस में आगे है, नेपाल जो बहुत सारे अभी आर्थिक संकट से गुजरा है, श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट से गुजरा है, म्यांमार में वैसे भी सैनिक सरकार है, इनकी हालत ख़राब है, खैर चीन की बात तो अलग है, इनके यहाँ तो पता ही नहीं चलता, और बांग्लादेश भी आर्थिक रूप से अभी बहुत परेशानी में है, तो ऐसी स्थिति में भारत का नंबर इनके बाद कैसे आ सकता है? तो परेशानी यही है, परेशानी यहीं से शुरू हुई। तो इसको हम लॉजिक को समझेंगे कि कैसे लॉजिक की मिट्टी कूट दी गई है इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाने को, इसके पीछे के तर्क देखेंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि आखिर किस तरह के लोगों ने और किस माइंडसेट से इस रिपोर्ट को बनाया गया। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है। तो देखिए, ये कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, अभी वर्ष 2011-12 से ही इस रिपोर्ट को बनाना शुरू किया गया है, और 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के सेलिब्रेशन पार्ट के रूप में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है कि जो सदस्य देश हैं, कौन से, यूएनओ के जो विभिन्न सदस्य देश हैं, उनके मध्य हैप्पीनेस की क्या स्थिति है, लोग उन देशों के लोग कैसे खुश रहते हैं, कितना खुश रहते हैं, क्या उनका तरीका है, वो सब जानने की वो कोशिश करते हैं। कौन प्रकाशित करता है रिपोर्ट? तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रमुख रूप से प्रकाशित करता है यूएनओ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क। ये रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है, और ये प्रमुख रूप से जो सदस्य देश हैं उनके, उन सदस्य देशों में किस तरह वहाँ के जो निवासी हैं वो खुश रहते हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे क्या क्राइटेरिया होता है? तो प्रमुख रूप से ध्यान रखिए, इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे 6 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है। वो 6 क्राइटेरिया कौन से हैं? तो पहला क्राइटेरिया है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उस देश में कुल कितना उत्पादन हो रहा है। फिर सामाजिक समर्थन, मतलब किस तरह का सामाजिक मेल मिलाप, मेल जोल है। फिर स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा मतलब औसत रूप से वहाँ के व्यक्ति कितना साल जीते हैं और स्वास्थ्य की स्थिति वहाँ पे क्या है, हेल्थ की। फिर जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, इसका आशय होता है कि वहाँ पे कितनी स्वतंत्रता उस देश में मिली हुई है उस व्यक्ति को अपने डिसीजन लेने के लिए। फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति, मतलब कितने उदार लोग हैं, आपस में कितना सहयोग करते हैं और कितना भ्रष्टाचार है वहाँ पर और कितना भ्रष्टाचार कम हुआ। और फाइनली वहाँ के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है। इन 6 मानदंडों के आधार पर ये रैंकिंग जो रिपोर्ट है ये बनाई जाती है और रैंकिंग दी जाती है। ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2023 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर टॉप 10 देश कौन से हैं। तो हम टॉप 10 देश की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार ये 6th ईयर है इनका जिसमें वो नंबर 1 पे हैं। फिर नंबर 2 पर है डेनमार्क, फिर आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये हो गए टॉप 10 देश। अब हम देखते हैं बॉटम 10 देश, यानी निचले पायदान पे 137 देशों में टॉप जो निचले पायदान पे 10 देश हैं वो कौन से हैं। तो इसमें है निचली पायदान पर अगर हम देखेंगे तो जाम्बिया 128, तंजानिया 129, कोमोरोस, मलावी, बोत्सवाना, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिम्बाब्वे, सियारा लियोन, लेबनान एंड अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान की रैंक है इस रिपोर्ट के हिसाब से हैप्पीनेस में लास्ट। तो ये तो हो गई एक टॉप 10 और टॉप बॉटम 10 की बात। अब हम देखते हैं कि आखिर क्यों कह रहा हूँ मैं कि कैसे लॉजिक की मट्टी कूट के इस रिपोर्ट को बनाया गया, तो आखिर उसको समझते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर बात करूँगा। तो इस रिपोर्ट का, इस लॉजिक को कैसे मट्टी कूटी गई है, उस रिपोर्ट का पहला पॉइंट है कि देखिए, ये रिपोर्ट को वो कह रहे हैं 2023 की रिपोर्ट, यानी इसे कब की होना चाहिए, कब इसका सर्वे होना चाहिए, तो ये वर्ष 2000
22 का सर्वे होना चाहिए, लेकिन ये 2022 का सर्वे नहीं है, ये 2020 से 22 यानी 2 वर्ष का एवरेज सर्वे है। यानी आपने 2 वर्ष का एवरेज सर्वे निकाल दिया और 23 की रिपोर्ट बना दी, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि पिछले वर्ष कितने खुश रहे लोग या नहीं रहे। तो ये पहला पॉइंट, ये एवरेज रिपोर्ट है 2022 की नहीं है, ये 20 से 22 यानी 2 वर्ष की एवरेज रिपोर्ट है। दूसरा पॉइंट, इस रिपोर्ट में जो मानदंड अभी मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उन मानदंड को ध्यान से देखेंगे तो वो मानदंड हैप्पीनेस से उतने ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं जितने जुड़े हुए हैं किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ से, यानी उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है उससे ये ज़्यादा जुड़े हैं, ना कि उसकी हैप्पीनेस से। हैप्पीनेस के थोड़े क्राइटेरिया अलग तरह के होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठाया गया है वो उसके सैंपल सर्वे पे उठाया गया, यानी जब ये हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई जाती है तो आखिर इसमें कितने व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब उसका सैंपल सर्वे का साइज क्या होता है, कितने व्यक्ति। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये प्रत्येक देश में लगभग 2000 व्यक्तियों का सर्वे करके ये रिपोर्ट निकालते हैं। तो पहली बात तो यही कि ये सैंपल साइज ही बहुत छोटा है, इस सैंपल साइज के आधार पर एग्जैक्ट एक्यूरेट सही ढंग से सर्वे कर पाना वैसे ही मुश्किल है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में अगर आप केवल 2000 व्यक्तियों से पूछेंगे कोई भी क्वेश्चन, और वो भी 2000 जो व्यक्ति हैं वो किस देश के, किस राज्य के हैं, किस आयु वर्ग के हैं, किस कास्ट से हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया। यानी ये सर्वे तो भारत के संदर्भ में बड़ा विचित्र ही है कि आपने कहाँ से किससे कब पूछ लिया, हो सकता ऑनलाइन ही पूछ लिया हो। तो ये सब बड़ी तकनीकी चीज़ है। फिर चौथा पॉइंट है इसका कि भारत की रैंक 126वीं, ओके, लेकिन पाकिस्तान की रैंक 108वीं, नेपाल की 78वीं। अब पाकिस्तान की अगर आप हालत देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों से कंगाली छाई हुई है, लगातार प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मंदी है, और सबसे बड़ी चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, राजनीतिक टर्मोइल है, बहुत बुरी स्थिति है। इसी तरह से नेपाल भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया है कोरोना के बाद, वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनकी 78वीं है। बांग्लादेश भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बहुत बुरी स्थिति है कोरोना के बाद इनकी, इनका है 118वीं। ईरान में भी आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लगातार इन पर बैन लगे हुए हैं US के, और इसके बाद भी हैप्पीनेस में 101 नंबर पर हैं। चाइना की 64वीं, खैर इनके यहाँ क्या स्थिति है तो ये अलग ही क्वेश्चन है। म्यांमार, जहाँ सैनिक तख्तापलट हो गया था, लगातार जनता अपने सैन्य तानाशाहों से भिड़ रही है, लड़ रही है, आंदोलन चल रहे हैं, उनकी 117वीं। श्रीलंका, आपको पता ही है पूरी तरह से डिफॉल्टर हो चुका है, इसकी रैंक 112। भारत इसकी मदद कर रहा है, उल्टा भारत की मदद से वो, उसको IMF से भी लोन मिला है। तो आप सोचिए ये देश की रैंक अगर भारत से पहले रखी जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित तौर पे इस रैंक को बनाने में सही जो मानदंड है उनका इस्तेमाल हुआ ही नहीं। अगर उन सही मानदंडों का इस्तेमाल होता तो भारतीय लोग तो हर हालत में इन देशों से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, GDP भी बढ़ा है। इसके अलावा निश्चित तौर पर भारत इन सब देशों में कोरोना से भी बेहतर ढंग से निपट पाया है। तो सारी स्थिति को देखते हुए भारत की तो रैंक वैसे भी अच्छी होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पिछले 1-1.5 वर्ष की स्थिति हम देखेंगे तो रूस की रैंक इन्होंने इस रिपोर्ट में रखी है 70वीं और यूक्रेन की रखी है 52वीं, 92nd। तो अब इनकी 1.5 साल में तो हालत ख़राब है, यूक्रेन की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है, उनकी आधे से ज़्यादा करीब लगभग उनका काफ़ी बड़ा हिस्सा रूस हत्या चुका है, उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी जनसंख्या पलायन कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब ये हैप्पी कैसे रहेंगे। तो इनकी रैंक भी 92 बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस देश में लगातार युद्ध चल रहा है और उसकी रैंक आप इतनी शानदार रखें कई देशों से ऊपर, तो निश्चित है अपने आप में अजीब सी रैंक है, अजीब वो है। फिर छठा पॉइंट है, इसराइल की रैंक है 4th, है ना, 4th रैंक रखी गई है इसराइल की, यानी टॉप 10 में रखा है। और अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन इसराइल में चल रहे हैं, बहुत उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश ही लगभग उनका विरोध कर रहा है। और उसके बाद भी अगर उसकी 4th रैंक है तो इसका मतलब ही है कि ये आउटडेटेड, ये जो रैंक बनाई गई है ये पिछले वर्ष से पहले की बनाई गई है, यानी इस विरोध प्रदर्शन से पहले बनाई गई। फिर 7वां पॉइंट है, और ये भी अजीब सा पॉइंट है
कि यूएनओ इस सर्वे को खुद ही नहीं करता, ये खुद नहीं करता है इस सर्वे को, इस सर्वे को करने के लिए वो अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी जिसका नाम है गैलप पोल, उसको देता है इस सर्वे करने के लिए। अब यहाँ अगेन चीज है कि ये अमेरिका की सर्वे एजेंसी है, तो निश्चित तौर पर जो अमेरिका की विदेश नीति होगी, अमेरिका के हित होंगे, जो एजेंसी में काम कर रहे लोग हैं उनकी अपनी पॉलिसी होगी, उनके अपना सोच होगी, उनका अपना माइंडसेट है, चीज़ों को देखने का तरीका है, लॉजिक लगाने का तरीका है, कितना ट्रांसपेरेंट है, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव कितना है, ये सब चीज़ भी बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो कुल मिला के अगर हम इस आधार पर कहें तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये लॉजिक की मट्टी कूट के बनाया गया सर्वे है, यानी इसमें जो भारत की रैंक रखी गई है 126वीं, वो हर हालत में बहुत अच्छी होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी रैंक भारत से ऊपर रखी गई है जो कतई डिजर्व नहीं करते। तो कुल मिला के ये सर्वे मेरी नज़र में तो एक बड़ा मजाकी सा है, और जैसा कि एक वरिष्ठ पत्रकार कह ही रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने ये